ये जो रिकॉर्ड था 37 साल पुराना सादत अली का कायद आजम ट्रॉफी एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का, वो अब तोड़ दिया है कामरान गुलाम ने। And the winner of this category is Kamran Ghulam. तो सबसे पहले मैं फिर अनाउंस करता हूं जो हमारा 20 रुकनी स्क्वाड है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, सऊद शकील, कामरान गुलाम। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब पाकिस्तान टीम में नाम आया। काफ़ी एक ज़बरदस्त फीलिंग है, काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त फीलिंग है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पूरे पाकिस्तान में 20 लड़कों में मेरा नाम आया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी फॉर्म लगी है, तो चांस मिलेगा इंशाल्लाह, जिस तरह मतलब एक ज़बरदस्त फॉर्म लगी है तो चांस मिलेगा अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए अच्छे से अच्छा करूँ। मैंने 2010 में क्रिकेट स्टार्ट किए, क्लब क्रिकेट 2010 में स्टार्ट किए, फिर 12-13 में मैं पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हुआ, इंग्लैंड के लिए टूर किए, तो इंग्लैंड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 100 किए, फिर फाइनल में 50-50 किए, मैचेस जितवाए, फिर एशिया कप खेला हूँ, फिर वर्ल्ड कप खेला हूँ, एशिया कप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, इंडिया के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में 100 किया था, उससे पहले लीग मैच में 50 किया, तो काफ़ी माशाल्लाह एक ज़बरदस्त ज़बरदस्त वो आ रहे पीछे से। मैं तो हुए मतलब बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, बस जिस टाइम मतलब कैप्टन को मतलब नज़र आए कि मतलब जिस टाइम मुझे मौका मिले बॉलिंग में, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग भी अच्छी कर लेता हूँ। एज अ क्रिकेटर हर किसी का फोकस होता है, बस इस बार थोड़ा ज़्यादा फोकस था, मैंने थोड़ा डबल किया था कि इंशाल्लाह ताला इस बार करना है तो टॉप करना है, तो अल्लाह का शुक्र है इस बार काफ़ी अच्छे रन भी किए और काफ़ी मतलब टॉप के रिकॉर्ड बनाए। इस सब के पीछे जो है ना हमारे एकेडमी शफीक लाला जो है ना, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किए, काफ़ी हार्ड वर्क किए, अरशद खान एकेडमी में मैं खेलता हूँ तो काफ़ी मतलब बहुत सपोर्ट किए शफीक लाला, काजी शफीक लाला ने, तो उसका सिला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है।